हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांके लाल का कॉमिक विशेषांक, बांके लाल और कलयुग का तीसरा भाग। तो सुन, सारा झमेला अपराध और अपराधियों के अंत को लेकर ही है। पुलिस का गठन भी इसी उद्देश्य से ही हुआ है। तू भी कुत्ता बना गली गली इसी उद्देश्य से घूम रहा है। तो मैंने दूर की सोच ये सोची कि सारे अपराधियों की पुलिस में भर्ती कर दो। जब सारे अपराधी पुलिस हो जाएंगे तो अपराधी तो बचेंगे ही नहीं, है ना दूर की सोच। आज पुलिस भी चैन की बंसी बजा रही और जनता भी। डोगा ये ले, मैंने तेरे लिए असिस्टेंट कमिश्नर की वर्दी संभाल कर रखी है। ले पहन ले ये वर्दी और बन जा तू भी पुलिस वाला। हा हा हा। कमिश्नर ज़रा पलट कर देख और बता मुझे कि दीवार पर किसकी तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर? किसकी तस्वीर लगी है? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। ये तो किसी बुड्ढे की तस्वीर लगी है, शायद किसी रिटायर कमिश्नर की होगी या किसी कमिश्नर के बाप की। ये बाप की नहीं बापू की तस्वीर है कपटी बहरूपिये। थार बता, मैंने तुझे कपटी बहरूपिया क्यों कहा? थार ओ क्यों कहा? क्योंकि बापू भारत के बच्चे बच्चे का आदर्श है, उनकी प्रेरणा है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका अदा की। थाक बच्चा बच्चा उनको नमन करता है, उनको पहचानता है। और जो कमिश्नर होकर भी उनको नहीं पहचानता, वो कमिश्नर तो क्या इस देश का भी नहीं हो सकता। बहरूपिये, तू मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की वर्दी पहनाकर अपने साथ में लाना चाहता था, लेकिन मैंने तुझे इसलिए पीछे तस्वीर की और देखने को कहा था क्योंकि गांधी के सामने इस वर्दी को हाथ लगाने का भी मैं पाप नहीं कर सकता था। यह वर्दी के साथ हिंसा होती क्योंकि मैं इंसाफ नहीं करता, मुजरिम को साफ करता हूँ। बहरूपिये बता कौन है तू? अब तो बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ पेंटम। पुलिस का चक्कर मैंने चलाई इसलिए था कि तू मेरे पास आ जाए। हा था। अरे मैं तो कील की तरह दीवार में धस और फंस गया। डोगा हिम्मत हारने वाला नहीं था। तू पेंटम हो या फैंटम, गलत काम करेगा तो डोगा की गोली तेरे जीवन का गलत अंजाम करने के लिए ज़रूर चलेगी। फुस्सी फुस्सी जिंग। बस डोगा चला ली गोली, मार लिया मुझे। और चला, मरने से पहले कोई तमन्ना दिल में बचनी नहीं चाहिए। चूम चूम चूम। गोली से तो तू गोलियां इसके शरीर से टकरा कर पतासे की तरह फूट रही हैं। गोली से तो तू बच गया पर गोले से नहीं बचेगा। बूम। कक्ष में चारों ओर धुआं भर गया। एन उसी समय, अरे तू यहाँ कैसे आ गया बाकेलाल? मैं तेरे सिर का बाल लेने आया हूँ डोगा, और मुझे सिर का बाल लेने का इससे बढ़िया दूसरा अवसर नहीं मिल सकता। मगर तू मेरे चमड़े का मांस खड़ा कर सिर का बाल तोड़ेगा कैसे? मांस तो खुद उतारेगा डोगा। ये तू क्या कर रहा है? तू मुझे पागलखाने में छोड़ आया था डोगा, वहाँ जाकर मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मुझे वहाँ से बेशुमार जुएँ मिल गईं पागलों के सिर से। मैंने तेरी गर्दन और दस्तानों के बाद जुएँ छोड़ दी हैं और अब तू समझ सकता है कि जुएं कहां पर जाएंगी। अब आएगा मज़ा। नहीं, ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं इस वक्त यहां पर क्या हो रहा है? मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। मुंबई खतरे में है, तू भी खतरे में है मूर्ख लाल। हे 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 डोगा देख, तेरा बम सिवाय धुआं पैदा करने का और कुछ भी कारनामा नहीं दिखा सका। मैं जिस संकट की बात कर रहा था वो यही पेंटम है। पेंटम? डोगा के बच्चे, अब ना तेरे पास गोली बची है ना बम बचा है। था। ओह सिर में खुजली हो रही है, जुए सिर तक पहुंच गई हैं, सिर जैसे जुओं का अखाड़ा बना हुआ है। डोगा लड़ने से पहले शत्रु की ताकत को परख लेना चाहिए। तुझे पता है मैं तेरी गोली और बम से क्यों नहीं मरा? ये तो मुझे डोगा का बाल नहीं लेने देगा। डोगा तेरी जान को कब्ज का वरदान प्राप्त है, नहीं समझा? कब्ज का वरदान अर्थात मेरी जान आसानी से नहीं निकल सकती, पर तेरी जान मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तड़ाक। उफ सिर में भयंकर खुजली हो रही है, लगता है जुएं सिर में पहुंच गई। मैं खुजाऊं या लड़ूं? और खुजाऊं भी तो कैसे? डोगा ने एक झटके से अपना मास्क उतार फेंका, अब बर्दाश्त नहीं होता। बाकेलाल तो इसी ताक में था। क्रिंच। डोगा देख, मुझे मिल गया तेरे सिर का बाल। आ डोगा मैं तो चला यात्रा मंत्र पढ़कर तेरी नज़रों से होने ओझल। ये बाकेलाल सच कह रहा था, यह भूतकाल का ही है और यह पेंटम भी इस लोक का नहीं है, इसलिए तो मैंने इन दोनों के सामने मांस खड़ा कर सिर खुड़ाने का रिस्क ले लिया।
डोगा, मैं यहाँ पर तुझे लेने आया हूँ और तू मुझे मिल गया। अब मैं तुझे महान बरमूदा के पास ले जाऊँगा। था सब, अब कुछ चैन मिला है। उफ, नीचे गिरते गिरते भी डोगा ने मास्क दोबारा चेहरे पर सिर पर धारण कर लिया। पैंटम, तू मुझे जहाँ चाहता है वहाँ ले चल, लेकिन मुझे इतना बता दे कि असली कमिश्नर ऑफ मुंबई की सारी असली पुलिस कहाँ है। उनको तो मैंने एक विशालकाय जहाज पैंटम में बिठाकर बरमूडा ट्रायंगल की ओर भेज दिया है। उनको तो अब दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। एक ताकत उनको अभी भी बचा सकती है। रुक जा डोगा, अब तू मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकता। डोगा को किसी भी सूरत में उस ताकत तक तो पहुंचना ही था। ये तो डोगा है, पकड़ो, बचकर ना जाने पाए। हाँ, अब तो हम पुलिस वाले हैं, आज इनका एनकाउंटर कर ही देंगे। अरे डोगा, सॉरी। संयोग से डोगा को वो ताकत उसी पते पर मिल गई जहाँ होने की उसे उम्मीद थी। अरे डोगा, तुम लगता है आज पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी गई है। गमराज, फालतू की बातें छोड़ो और काम की बातें सुनो, वरना मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई में पूरी कानून व शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। डोगा ने जल्दी जल्दी गमराज को पैंटम के विषय में बताने के साथ ही कहा, गमराज जाने मुझे क्यों लगता है कि तुम इस प्रॉब्लम का हल निकाल लोगे, इसलिए मैं पैंटम से बस्ता बचाते सीधे यहाँ आया हूँ। मगर पैंटम किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। आ सकता नहीं, आ गया है। डोगा हो तेरा की होगा। ओह, इसके आगे तो मेरी एक भी नहीं चल रही। गुरु कुछ करो, डोगा की जान खतरे में। मैं यमंडा को बुलाता हूँ। किंतु यमंडा को पुकारे जाने से पूर्व ही पैंटम वहाँ से हो गया गायब। कमरा जल्दी करो, वो तो गायब हो गया। हाँ, पता नहीं वो शैतान पैंटम डोगा को कहाँ ले गया होगा। सुन शंकालू, भले ही डोगा गैरकानूनी ढंग से अपराधी को जान से मार डालता है, मगर फिर भी अपराधियों में उसका खौफ तो है ही। छोटे मोटे अपराधी तो डोगा का नाम सुनकर मुंबई छोड़कर चले जाते हैं। गुरु, ये बखान बंद करो और डोगा ने जो कहा उस पर ध्यान दो, वरना मुझे शंका हो रही है कि पूरी मुंबई पुलिस बरमूडा की मछलियों के हवाले हो जाएगी। हम मुंबई पुलिस को ज़रूर बचाएंगे शंकालू, और ये काम हम यमुंडा की मदद से आसानी से कर सकते हैं। शायद इसलिए डोगा मेरे पास आया था, क्योंकि इससे पहले मेरे और डोगा के टकराव के समय उसे हमारे पास यमुंडा जैसी कोई शक्ति होने का संदेह है। अब जल्दी से यमुंडा को पुकारो। यमुंडा, हमें बरमूडा ट्रायंगल की ओर बढ़ते एक विशाल का शिप पैंटम में मौजूद मुंबई पुलिस को बचाना है। तू रॉकेट बन करा, हमें उस ओर उड़ा और तेज रफ्तार शिप बनकर उस शिप के पास उतर। मुंबई पुलिस की जान पर बनी थी। सर, हड़प्पादा की होगा, बहरूपिया कमिश्नर ने ऐसा जाल फैलाया कि हम सब उसके जाल में फंस गए। अब यह जहाज किसी के रोके भी नहीं रुक रहा। रुकेगा कैसे, इसमें इंजन तो है ही नहीं। मगर उस जहाज में इंजन है, और वो हमारी ही ओर आ रहा है। तो फिर पानी में कूद जाओ, वो जहाज हमें बचा लेगा। छपाक छपाक, यह मुंबई पुलिस के अच्छे कर्म और उसका बर्ताव ही है कि मुसीबत से बचाने के लिए भगवान ने उस जहाज को भेज दिया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो शिवचरण, हमने कभी भी अपराधियों का बुरा नहीं किया। उन्होंने कभी टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उनको कदम कदम पर सपोर्ट किया, थाने में बिठाकर चाय भी पिलाई, और उन्होंने हमें प्यार से जो भी दिया वो हमने ले लिया है। गमराज यमुंडा जहाज के डेक पर शंकालु के साथ मौजूद था। गुरु, शायद उन लोगों ने हमें देख लिया है, वो लोग पानी में कूद गए। वो पानी में तो कूद गए, मगर दूसरी ओर से भयंकर शार्क मछलियाँ भी उनकी ओर बढ़ रही हैं, और उनमें से किसी की भी नज़र नहीं है। यमुंडा, अपनी रफ्तार बढ़ाकर उनकी ओर बढ़। जो आज्ञा स्वामी। मौत की आशंका से पीले पड़े पुलिसकर्मियों के शरीर में जहाज को देखकर इतनी फुर्ती भर गई कि तैरने में उन्होंने मछलियों को भी मात दे दी। जल्दी से जहाज पर चढ़ जाओ। हुर्रे, हम बच गए। हमारे बचने की खुशी में मछलियाँ भी खुश हो रही हैं। ये तो बड़ी अजीब सी रस्सी है, पूंछ जैसी। मच्छा मच्छ, अरे तुम्हारे पैसे समुद्र में गिर गए, वापस नीचे आओ। मच्छ, वो इंसान है तेरे फंसाए में नहीं आने के। गमराज का नाम सुर्खियों के साथ अखबार में छपा। फिजूल टाइम्स, गमराज ने पूरी मुंबई पुलिस फोर्स की रक्षा की। टाइम बेस्ट, मपोसे गमराज भरोसे। कल की खबर आज, गमराज मानवता का सच्चा सेवा। गमराज को इनाम में एक मोबाइल फ़ोन मिला और फ़ोन पर मिली वह धमकी। बड़ा मानवता का रक्षक बना फिरता है, तेरे में दम है तो ज़रा बम ढूंढ कर दिखा। अगर तूने 5 मिनट में बम नहीं ढूंढा तो तू मेरे हाथों से मरेगा। कौन बोल रहा है तू? बंदर घुड़की फिर दूंगा। हेलो, क्या हुआ गुरु? फ़ोन किसका था? मेरी आँख फड़क रही है। मानवता का दूसरा सच्चा सेवक मेरे सामने है, इसका बाल प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। शंकालू, किसी बंदर घुड़की का फ़ोन था, कह रहा था कि बड़ा मानवता का रक्षक बना फिरता है, तेरे में दम है तो ज़रा बम ढूंढ कर दिखा।
तो फिर गुरु देर क्यों कर रहे हो, बम ढूंढो। वो फट गया तो मुझे आशंका है कि कोई भी नहीं बचेगा। बम तो ढूंढे मगर बम ढूंढे कहाँ पर? उसने ये तो बताया ही नहीं कि बम रखा कहाँ है। बिना ये बताए कि बम कहाँ पर रखा है, बम ढूंढना तो वाकई टेढ़ी खीर है। सबसे पहले तो अपनी जेबें देख लो गुरु, कहीं किसी दुश्मन ने हमारी जेबों में ही तो बम ना डाल दिया हो। भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? गुरु उस दुबले पतले अजीब से वस्त्र पहने युवक को देखो, वो हमारी ओर ही घूर रहा है। मुझे तो आशंका हो रही है कि कहीं तुम्हें फ़ोन उसी ने तो नहीं किया, कहीं वही तो नहीं है बंदर घुड़की। हो सकता है वो इधर ही आ रहा है। शंकालु का काम तो शंका करना ही है। गुरु उसके पास मत जाना, कहीं वही तो बम नहीं है, क्या पता वो मानव बम हो। मानव बम? अभी पता चल जाएगा। गमराज तुरंत बाकेलाल के पास पहुंचा। कौन हो तुम, हमें क्यों घूर रहे हो? हाँ, और बम के बारे में क्या जानते हो? मेरा नाम बाकेलाल है गमराज, मैं भूतकाल के विशालगढ़ से आया हूँ। डोगा के सिर का बाल तो मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मुझे तुम्हारे सिर का एक बाल चाहिए। मेरे सिर का बाल? गुरु इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, इसकी जेब में मोबाइल ढूंढो। गमराज मेरे पास समय बहुत कम है, अभी मुझे 3 और तेरे और डोगा जैसे समाज सेवक मानवों के बाल भी चाहिए। गुरु मुझे तो ये ढोंगी तांत्रिक लगता है, ये तुम्हारे बाल पर टोना टोटका करके तुम्हें पागल बना देगा। इसको बाल हरगिज मत देना। बकवास मत करो, अपना बाल मुझे दे दो। ओह तुझे बाल देगा यमुंडा? मुझे तो बाल चाहिए, बाल चाहे कोई भी दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यमुंडा ज़रा पीछे आकर इसको मेरे बाल तो दे। बाकेलाल को क्या पता था कि यमुंडा कौन है। धा उफ ये क्या, शाबाश यमुंडा, इसकी अकल तो एक ही टक्कर में ठिकाने लग जाएगी। अकल तो अब तुम्हारी ठिकाने लगेगी बच्चू, जब यह औषधि चूर्ण तुम्हारे बालों की जड़ों में जाकर गिरेगा। यह कैसा पाउडर है? इस पाउडर का नाम है बड़त, मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इसके प्रभाव में आकर तुम्हारे बाल बढ़ते हुए खुद मुझ तक पहुँच जाएंगे और मैं खुद ही तोड़ लूँगा एक बाल। सवाल यह कि अब यह बढ़त रुकेगी कैसे? खच। गुरु ये तो कोई जादूगर है, तुम्हारे बाल तो ऐश्वर्या राय से भी लंबे हो गए हैं। यह तेरी मौत के साथ ही रुकेगी गमराज, मैंने तुझे बम ढूंढने के लिए 5 मिनट दिए थे जो समाप्त हो गए, अब तेरी मौत मेरे हाथों होगी। मैं ही हूँ बंदर घुड़की। उफ मेरे बालों का भार इतना अधिक हो गया कि मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। मैं गिरा। गुरु मैं माली की कैंची ले आया हूँ, तुम्हारे बाल काट देता हूँ, नहीं तो बंदर घुड़की भी मुसीबत खड़ी करने आ पहुँचा है। कच कच। ओह तो बम इसी ने ढूंढने को कहा था? हाँ दरअसल कोई बम था ही नहीं, तो तुम ढूंढते कैसे? अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इस गंडासे से तुम्हारे 2 टुकड़े करने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा। मगर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? कच कच। ये बहुत छोटी कहानी है। मैं वो कहानी ज़रूर सुनूंगा, मुझे बचपन से कहानियाँ सुनने का शौक़ है। मुझे भी तेरी तरह दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। मेरा मतलब मैं भी लोगों का गम देखकर पसीज जाता था, मैं लोगों की मदद करना चाहता था मगर लोग मुझे घुड़क देते थे। था आए क्या कहा अबे फटीचर, तू मेरा कर्जा उतारेगा? तेरे पाँव में चप्पल टूटी हुई है, कपड़े तेरे फटे हैं, बालों से घेन आ रही है, नाक तेरी बह रही है, तू मेरी क्या मदद करेगा फटीचर कहीं के चलाट। लोगों की मदद करने के लिए धन पास होना चाहिए, ये सोचकर मैंने कमाना आरंभ किया। मगर मैं दिन भर मेहनत करके जो कमाता था गुंडे मुझसे छीन लेते थे। अबे ला इधर, हमारा गला सुखेला है, इन रुपये से दारू खरीद कर पियेंगे। हा 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 हा। मुझे हर कोई घुड़क कर चला जाता था। एक दिन मैं बैठा चने खा रहा था कि बंदरों ने मुझे घेर कर घुड़की देना शुरू कर दिया। अबे डर नहीं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर बंदरों ने चने भी छीन लिए तो मैं भूखा मर जाऊँगा। मुझे क्रोध आ गया, मैंने पास पड़ा डंडा उठाया और घुड़की देते बंदरों के मारने को दौड़ा। अबे तुम्हारी तो बे, ये समझ गया कि हम केवल बंदर घुड़की देते हैं, काटना हमारे बस का नहीं है। जब बंदर डर कर भाग गए तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं सोचने लगा जब तक मैं लोगों से भयभीत होता रहा लोग मुझे डराते धमकाते और हड़काते रहे, आज मैंने हड़काया तो जानवर भी डर गए, तो क्यों ना यही तरीका मैं लोगों पर भी आजमाऊं। आज से शराफत गई तेल लेने। मैंने एक सेठ को बंदर घुड़की दी। सेठ 5 लाख रुपये शाम को टिंडा चौक पर पहुँचा दे, नहीं तो तेरे घर में सांप छोड़ दूंगा। मुझे 5 लाख रुपये मिल गए। मोटी कमाई के चक्कर में एक दिन मैंने एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया। इस डिब्बे में टंक वाले ततैये भरे हैं, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं इसे खोल दूंगा। मगर बदकिस्मती प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा बड़मुदा ट्रायंगल तक उछल गया। क्लाक। मुझे महान बड़मुदा ने बचा लिया, मेरे जैसे धंधे वालों की वो बड़ी इज्जत करता है और हम उसकी। अब मैं तुम्हें वही लेकर जा रहा हूँ। बाकेलाल को भी पता लग चुका था कि उसे किस टाइप के लोगों के सर के बाल चाहिए। मुझे उन लोगों के सर के बाल चाहिए जो डोगा और गमराज की तरह सुपर हीरो या हीरोइन बनकर समाज सेवा में लगे हैं। और यह कंप्यूटर बता रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे महानगर में नागराज, राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील।
दिल्ली में परमाणु और तिरंगा, रूपनगर में एंथनी, आसाम के जंगलों में भेड़िया और कोबी, और शक्ति जो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकती है। अब इनमें से ही गिनी तीन के बाल मुझे और चाहिए। लेकिन ये क्या, उफ, अचानक मुझे सांस लेने में संकट महसूस हो रहा है। संकट था नज़र बट्टू, मुझे चाहिए शक्ति जो नारी हितों के लिए लड़ती है। मैं हमेशा संपन्न सुखी लोगों को लगता हूँ। जब कोई किसी चीज़ से चिढ़ता है तो ये दूसरे की संपत्ति की निशानी होती है। बस इसी से मुझे संपन्न लोगों का पता लग जाता है, जिनका कि मुझे कबाड़ा करना होता है, और मैं उस पर लग जाता हूँ। इसी को कहते हैं नज़र लगाना। और इस वक्त मैं मुंबई की हरियाली पर लग गया हूँ। मैंने कारगुजारी किरणों को पेड़ों पर छोड़ दिया है। अब यहाँ के पेड़ अधिक से अधिक ऑक्सीजन सोखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि मानवों के लिए घातक और उनका दम घोट देगी। ओह, तो इसी शैतान के कारण दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर तक सांस ना मिली तो बाकी तेरी आत्मा भी शायद इस कलयुग से बाहर ना जा पाए। शक्ति प्रकाश की गति से आ पहुंची। तू जैसे ही हरियाली पर लगा था, मुझे तेरी कारगुजारी का पता लग गया था। तेरे कारण हजारों लाखों निर्दोष स्त्रियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। मेरे पास आकर तूने महागलती की है शक्ति, क्योंकि मुझे तो तेरा ही इंतजार था। मैं तुझे ही तो यहाँ से लेने आया हूँ। शक्ति के हाथों में भरी थी नारी के आक्रोश की ऊष्मा। वह लोहा जो हथियारों की शक्ल में शत्रुओं पर टूट पड़ता था। तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। साय साय ही ही ही। अब मैं हरियाली से हटकर तुझ पर लग चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बुलाने के लिए यह सब किया था। अब तू जो चाहेगी वो नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा होगा। देख, तूने मुझ पर छोड़े थे हथियार और मुझ पर बरस रहे हैं फूल। यही तो है शक्ति। मेरी तो किस्मत खुल गई। शक्ति भी मुंबई में ही है और इस शैतान से लड़ रही है। यानी मेरा काम हो गया थोड़ा आसान। मेरी हथेलियों से सूर्य जितना ताप है। दुष्ट नज़र बट्टू, मैं अपने इस ताप से तुझे राख कर दूंगी। मैंने तेरी शक्तियों पर नज़र लगाकर उनके योग बदल दिया है शक्ति। देख, तूने छोड़ा ताप और ताप हो गया भाप। अब हो रही है स्नोफॉल। बड़ा इतरा रही थी अपनी शक्तियों पर। महान बड़बूदा की नाक में दम कर रखा था तूने। चल, तुझे वहीं लेकर चलूंगा। आह, अगर यह नज़र बट्टू शक्ति को कहीं पर ले गया तो मुझे इसका बाल कैसे मिलेगा? बाकेलाल के रहता ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ शक्ति को। था, उफ, इसने तो मेरे सारे बाल ही खराब कर दिए। मैं तेरी ताकत पर नज़र लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास तेरे से लड़ने का फालतू समय नहीं है। स्क्रूश, समय तो मेरे पास भी नहीं है डस्ट। मैं दोबारा कंघी करके अपने बाल ठीक कर लूँ। मेरे बाल बिगड़ जाएं तो मुझे काम करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता। उफ, इस कमबख्त ने ना जाने बालों को कैसे पकड़ा है। सारे बाल उलझ गए हैं और इसकी ताकत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कमबख्त, मैं भूतकाल से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। शक्ति का बाल तो मैं लेकर ही जाऊंगा। ओह, यह भूतकाल का है तो ये कारण है मेरी शक्ति का निष्क्रिय हो जाने का। आ, इसको केवल उसी काल के नज़र बट्टू की ही नज़र लग सकती है। बाल सुलझाते सुलझाते मेरे कितने सारे बाल टूट गए। मेरे बालों का सत्यानाश डैंड्रफ के कारण हो रहा है। आज घर पहुँचते ही शैम्पू करूँगी। नज़र बट्टू खतरा भापकर पुनः शक्ति पर झपटा। अब मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुकूंगा, वरना ये बाकेलाल मुझे नहीं छोड़ेगा। नज़र बट्टू, बाल मत पकड़ियो। मैंने कभी अभी दोबारा कंघी की है। इसी के साथ नज़र बट्टू शक्ति सहित वहाँ से गायब हो गया। उफ, यहाँ से जाने के लिए प्रकाश गति का प्रयोग नहीं कर पा रही। अरे, नज़र बट्टू शक्ति सहित गायब हो गया। फोन तेरा के हो बाकेलाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल और कलयुग के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।